22 अक्टूबर 2008 इंडिया के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया इंडिया का पहला चंद्रयान 1 और इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंडिया पहली बार चांद पर अपना कदम रखने वाला था। लेकिन चूंकि इंडिया ये काम पहली बार कर रहा था, इसीलिए इंडिया के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा प्राउड करने वाली बात ये थी कि इस चंद्रयान में जो टेक्नोलॉजी लगाई जानी थी ना, वो इंडिया ने खुद डेवलप की थी। और सबसे ज्यादा गर्व करने वाली बात तो ये है कि इंडिया इसमें पूरी तरह से सफल रहा था। अगर आपको नहीं पता हो तो चंद्रयान के बाद इंडिया चांद पर जाने वाला चौथा देश बन चुका है। लेकिन ये तो काफी पुरानी बात है भैया, अभी ही फिलहाल चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, मतलब चांद की सतह पर यह यान काफी आराम से उतरेगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग आखिर कैसे की जाएगी, इसके बारे में जानने के लिए ही चंद्रयान 1 के साथ एक सैटेलाइट और भेजी गई थी जिसे चांद की सतह से टकराना था। और इस सैटेलाइट की टक्कर से भारतीय वैज्ञानिकों को वो डाटा मिला जिसकी वजह से चंद्रयान 3 अब सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये टक्कर एक ऐसी जानकारी निकाल देगी चांद की सतह से जिसे जानकर नासा वालों के भी होश उड़ जाएंगे। बात है 2008 में जब चंद्रयान 1 मिशन के दौरान एक सब सैटेलाइट को चांद के क्रेटर के अंदर टक्कर करनी थी। इस टक्कर के दौरान एक बड़ा धूल का गुब्बारा हवा में उड़ा, हवा में तो नहीं क्योंकि चांद के वातावरण में हवा नहीं होती है, बस एक धूल का गुब्बार सा उठा। और चंद्रयान में लगे एक इंस्ट्रूमेंट मून माइनरोलॉजी मैपर ने चांद की सतह पर मौजूद मिनरल्स की मैपिंग करना शुरू किया। और इसी मैपिंग के डेटा के आधार पर इसरो के साइंटिस्ट को ये पता चला कि चांद में ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये जो क्रेटर्स हैं, इनके अंदर जमी हुई अवस्था में ढेर सारा पानी मौजूद है, क्योंकि जो सब सैटेलाइट टकराया था क्रेटर में उसने जमे हुए पानी को बाहर निकाल दिया था। अब भैया जैसे ही नासा को पता चला कि इंडिया के इसरो ने इतनी बड़ी खोज कर ली है, तो शुरुआत में तो नासा ने इसरो की इस खोज को सिरे से नकार दिया। उन्होंने माना ही नहीं कि चांद की सतह पर पानी हो भी सकता है, क्योंकि भैया वो तो यही जानते थे कि जो खोज वो करेंगे वही सही है। कहां इंडिया जैसे ये गरीब देश चांद पर जाकर ऐसी जानकारी ला सकते हैं जो नासा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं ला सकती। और ये बात नासा को शुरुआत में हजम नहीं हुई। पहली बार चांद पर इंसान भेजने के साथ साथ चांद पर जाकर सबसे ज्यादा रिसर्च करने का दावा जो है वो यूएस करता है। यूएस ने ही एक रेंजर प्रोग्राम स्टार्ट किया था और शुरुआत के समय में भी नासा के इस प्रोग्राम का बजट था $170 मिलियन, जो आज की तारीख में करीबन 1.5 अरब $5 करोड़ के करीब है, या शायद उससे भी ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि भैया इस प्रोग्राम को करते समय नासा पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गया था, नासा भी 6 बार फेल हुआ। तो 1964 में अपने 7th अटेम्प्ट में यूएस ने अपने रेंजर मिशन में सफलता हासिल की, जबकि इंडिया पहली बार में ही चंद्रयान 1 के साथ सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन साल 2009 में नासा ने ल्यूनर रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर यानी LRO के जरिए चांद के सरफेस की मैपिंग की, तब नासा को पता चला कि भाई इसरो वाले तो सही बोल रहे थे। और भैया इस पानी की खोज के बाद तो नासा के हाथ अंतरिक्ष में तो जैसे खजाना लग गया था। नासा ने तुरंत लॉन्च किया लैडी यानी ल्यूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरमेंट एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट, और इससे नासा ने कंफर्मेशन कर दिया कि चांद के एनवायरमेंट में भी पानी मौजूद है। लेकिन भैया चांद पर ये पानी आ कहां से रहा था, क्योंकि चांद पर ना नदियां हैं ना समुद्र है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारी धरती के चारों तरफ है एनवायरमेंट, ओजोन लेयर है, बादल हैं, गैसेस हैं। जब भी कोई मीटियोराइट धरती के एनवायरमेंट में एंटर करता है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है, तो उसके जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन चांद के एनवायरमेंट में कोई एनवायरमेंट ही नहीं है, तो जब भी कोई माइक्रोमीटियोराइट चांद के एनवायरमेंट में एंटर करते हैं तो भाई वो जलते नहीं है, वो सीधा चांद की सतह से टकराते हैं, और इससे चांद की धरती के भीतर छुपा हुआ पानी सतह पर नजर आने लगता है। हालांकि ये पानी काफी कम मात्रा में है और जमा हुआ है, लेकिन भैया पानी तो पानी होता है। चूंकि चांद के एनवायरमेंट में हवा है ही नहीं, वैक्यूम है, तो हर चीज ऊपर की तरफ भागती है। और ये पानी जब चांद की सरफेस पर आता है तब ये हवा में ऊपर की तरफ उठने लगता है, जैसे कि चांद की सरफेस पर उल्टी बारिश हो रही हो। लेकिन अभी तो चांद के और भी रहस्यों से पर्दा उठेगा, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ अपना सफर शुरू कर चुका है। नासा वाले भी इंतजार कर रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को पहले कोई खोज कर लेने दो,
उसके बाद हम जाकर अपना मिशन स्टार्ट करके उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लेंगे। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को चांद में बड़ा इंटरेस्ट है। धरती पर मौजूद कई अरबपति लोगों ने चांद पर अभी से प्लॉट खरीद कर रखे हैं और पानी की खोज तो यहाँ पर कंफर्म हो ही चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य में चांद पर कॉलोनी बनाने का प्लान इंसानों का सक्सेसफुल हो सकता है। और इस पर भैया इंडिया करने वाला है चांद पर रिसर्च, चांद के डार्क साइड पर, और वो भी पूरे 14 दिन के लिए। और भैया इस बार चंद्रयान 3 जो कमाल करने वाला है, उसके बाद से तो नासा वासा और जितने भी ये बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी है उन्हें समझ में आ जाएगा कि भैया इंडियंस किसी से कम नहीं। हालांकि उनको ये बात पहले से समझ में आ गई है, लेकिन वो इतनी जल्दी इन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। और हाँ, चंद्रयान 3 मिशन के साथ हमको ये भी पता चलेगा कि क्या चांद का कोर पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है या अभी भी उसमें थोड़ी सी जान बाकी है। हालांकि नासा ने जो मिशन किए हैं उसमें वो तो इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि चांद का ये जो कोर है जिसमें लावा होता है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, मतलब चांद अंदर से मर चुका है। हालांकि हमारी धरती अभी भी जिंदा है, इसके अंदर कोर में गर्मी है, लावा है, इसके अंदर से अभी भी वेव्स निकलती हैं, लेकिन चांद में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसी बात को कंफर्म करने के लिए चंद्रयान 3 में एक अलग से सेंसर लगाया गया है। एनीवे, जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर जाएगा तो इन सभी सवालों के जवाब इंडिया के पास होंगे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कर जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए गौरव कटारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।